देखे मेरे मुंह की हड्डी टूट गई है। अरे हड्डी नहीं भाई, ये दांत है तुम्हारा। हाँ तो आप अंगूठी में लगवा लेना अपना। अरे रहने दो, मेरी अंगूठी में पहले ये लगा हुआ है फिरोजा, जाओ इसे जाकर फेंको बाहर। नहीं नहीं मुस्तकीम, मैं ना इस दांत को वो करूंगी। वो क्या? वो जो मरने के बाद आपको भी करूंगी मैं। क्या मिस? नहीं नहीं, वो जो ऊपर से मिट्टी डाल के करते ना वो। अच्छा अच्छा, तुम इसे दफनाना चाहती हो? हाँ हाँ याद आया, मैं इसे बाहर लॉन में दफन करके आती हूँ अफ्तखार। महमूद। हाँ पहले मैं ये दांत दफन करके आती हूँ ना, फिर मैं महमूद की तदफीन भी कर दूंगी। है अरे मैं महमूद हूँ भाई। आप चाहते हैं कि मैं आपको जिंदा ही दफन कर दूं? और जाओ बाबा इसको लेके जाओ यहाँ से, चलो। और जी आप अब चले मेरे साथ ना, मैं आपको जाओ जाओ जाओ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। हुशा हुशा, लगता है तुझे खजाना मिल गया छन्नो। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जाता है। ये तो लाल, लेकिन ये तो वो है जिसमें से वो निकलेगा जो मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी कर देगा। हल्दी है चमलो, पालडी है चमलो। शमशुद्दीन, शमशुद्दीन, आप गैस करेंगे? अरे नहीं भाई, फिर तुम कहोगी के मार देता है जालबा। आप गैस करेंगे कि मुझे क्या मिला है? ओ, तुम्हारा मतलब है कि मैं गैस करूं कि तुम्हें क्या मिला है? अरे भाई मुझे क्या पता तुम्हें क्या मिला है। ये देखें टॉर्च। अरे भाई ये टॉर्च नहीं है, ये तो चिराग है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? बाहर लॉन में जब मैं अपनी जबान दफना रही थी ना, वहाँ से मिला है। जल्दी से इसको रगड़े तक इसमें से वो निकले। वो क्या? धुआं? नहीं नहीं, वो जो धुएं में नजर आता है खौफनाक सा। नबील, मैं जलील की नहीं उसकी बात कर रही हूँ। अरे उसकी किसकी बात कर रही हो? वो जिसका मुंह सभी सौदा पड़ा है। अच्छा ठीक है भाई, मैं मस्जिद में ऐलान करवा देता हूँ कि जिनका मुंह मुझसे बड़ा है वो यहाँ आ जाए। हाँ हाँ हाँ, जिन जिन मसूद, इस चिराग में से ना जिन निकलेगा। अरे मोमो कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हर चिराग से जिन नहीं निकलता। अरे ये तो बहुत पुराना एंटीक लग रहा है मुझे, ये कम से कम 4-5 लाख का तो बिक ही जाएगा। सुनो नबील और खूबसूरत से कोई जिक्र नहीं करना तुमने। कौन नबील और खूबसूरत? अरे छोड़ो यार, तुम इसको रखो है, हम बाहर चलकर इसे रगड़ते हैं। अगर जिन का बच्चा ना निकला तो मैं बाजार जाकर इसे बेच दूंगा, समझी तुम? आओ आओ चले आओ। माँ जी, मैं मुसाब। खैर है ना, इतनी धूप में कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अब्बा वो तो कुछ नहीं, हम तो बाहर लॉन में जा रहे थे जरा बागबानी करने के लिए। चल चुटिया, ये कह रहे थे कि हम इसको रगड़ने जा रहे हैं बाग में। अच्छा तो ये बात है महमूद साहब, आपकी चेहरे की मकारी साफ ये बता रही थी कि दाल में कुछ काला है। लाए थे ये चिराग मुझे दे। ये चिराग तुम्हें नहीं मिलेगा नबील। क्यों भाई, इस चिराग पे आपका नाम लिखा हुआ है? नहीं, इसमें मेरा नाम लिखा है शकील। आपका नाम शकील नहीं, मुमताज है माँ जी। ये मेरी मोमबत्ती है बच्चू। कौन हो तुम लोग? जिन भाई तुम गलत जुमला बोल रहे हो यार, तुम्हें तो ये कहना चाहिए क्या हुक्म है मेरे आका। ए छोटी शर्ट वाले इंसान, मैं तेरे ससुर का भेजा हुआ नौकर नहीं हूँ, समझा? अरे तो क्या तुम हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? मैं कोई आम जिन नहीं हूँ, कोकाफ के जिनों का सरदार हूँ। काफूर नाम है मेरा, मैं किसी का गुलाम नहीं बन सकता। हाय काफूर भाई, मैंने इतना बड़ा घटा खोद के ना आपको निकाला, तो आप मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते? ठीक है, मैं सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। तो ठीक है जिन भाई, मुझे ना हुमायूं सईद के साथ डेट भी तो भिजवा दें। मुमताज? नहीं मुमताज के साथ नहीं, हुमायूं सईद के साथ। नहीं नहीं काफूर जिन, तुम ना मेरी ख्वाहिश पूरी करो, मुझे बस 10-20 करोड़ ला दो। अरे तुम कहां से आ गए भी मैं भाई। काफूर भाई, आप मुझे ना दोबारा से जवान और खूबसूरत बना दें। ओ बस कर दे महमूद साहब, आपने क्या करना है खूबसूरती का, और कितना जीना है आपने यार। खामोश, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि क्या ख्वाहिश करनी है, तब तक मैं जरा बाहर
ताजा हवा खा के आता हूँ। चराग में बड़ी सफोकेशन हो रही थी।